welcome you all at ASTA Defense Academy. स्टूडेंट, अगर आप इंडियन एयरफोर्स में जाना चाहते हैं और अपना करियर जो है वो डिफेंस सर्विसेज में ही बनाना चाहते हैं, फिर वो इंडियन एयरफोर्स हो या फिर इंडियन नेवी हो या फिर इंडियन आर्मी हो, और आप चाहते हो कि आप डायरेक्टली 12th के बाद इन सर्विसेज की प्रिपरेशन करें और डायरेक्टली 12th के बाद इन सर्विसेज को ज्वाइन भी करें, जो आपको रिटन के साथ साथ फिजिकल की भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करे और साथ ही में उन सारे पैरामीटर्स के लिए आपको प्रिपरेशन करे जो कि आपके सिलेक्शन के लिए रिक्वायर्ड है. सो स्टूडेंट, आस्था एजुकेशन एंड पब्लिकेशन हाउस आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आया है जहां पर आप रहकर इन सभी चीजों की प्रिपरेशन कर सकते हैं. आप चाहे तो आप यहां से इंडियन एयरफोर्स की कोचिंग ले सकते हैं और उन सारे पैरामीटर्स के लिए जो कि एयरफोर्स के सिलेक्शन के लिए रिक्वायर्ड है. जैसे कि आपको पता ही होगा कि एयरफोर्स का जो एग्जाम है उसमें सबसे पहले रिटन होता है, देन एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होता है, देन आपका फिजिकल होता है, देन आपका एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 होता है, देन आपका मेडिकल होता है, देन आपका फाइनल सिलेक्शन होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि आस्था एजुकेशन एंड पब्लिकेशन हाउस स्टूडेंट को सिर्फ रिटन के लिए प्रिपरेशन नहीं कराती. यहाँ पर हम स्टूडेंट को सबसे पहले रिटन की प्रिपरेशन कराते हैं, देन उसके बाद फिजिकल की प्रिपरेशन कराते हैं एंड एडेप्टेबिलिटी टेस्ट की भी प्रिपरेशन कराते हैं, और उन सारे लेवल्स के लिए, उन सारे पैरामीटर्स के लिए स्टूडेंट को प्रिपरेशन कराते हैं जो कि उसके सिलेक्शन के लिए रिक्वायर्ड है. सो स्टूडेंट, अगर आप इंडियन एयरफोर्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको कोई एक ऐसी एकेडमी मिले जो कि आपके सिलेक्शन पर ज्यादा फोकस करे रेदर देन कम्प्लीटिंग योर कोर्स फॉर द रिटन एग्जाम, देन एक बार आस्था एजुकेशन एंड पब्लिकेशन हाउस जरूर विजिट करना और देखो कि किस तरीके से हम यहाँ पर स्टूडेंट को अपने कैंपस में रख करके प्रिपरेशन कराते हैं और किस तरीके से हर साल यहाँ पर इतने सारे सिलेक्शन होते हैं. सो थैंक यू सो वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे.